हरियाणा के इनेलो के बड़े नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में वांटेड गैंगस्टर योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने योगेश को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। नफे सिंह हत्याकांड के बाद गैंगस्टर योगेश दुबई और फिर रोज चला गया था। योगेश कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और फनंदू के इशारे पर काम कर रहा था। नफे सिंह हत्याकांड के शूटर्स को लॉजिस्टिक मुहैया कराने में और रेकी कराने में योगेश का हाथ था। हरियाणा के फरीदाबाद में 30 जनवरी को बबलू पहलवान नाम के एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी। इसमें भी योगेश का नाम शामिल था। बबलू पहलवान हत्याकांड के बाद योगेश गोवा गया, जहां नंदू ने उसे शेल्टर दिया। नंदू ने ब्रिटेन से फोन कर योगेश को नफे सिंह राठी हत्याकांड के लिए शूटर्स को शेल्टर देने का टास्क दिया था। आपको बता दें कि कपिल सांगवान और फनंदू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अलायंस गैंग है और ब्रिटेन से गैंग कोऑपरेट करता है। नफे सिंह राठी की हत्या 25 फरवरी 2024 को हुई थी। शाम के वक्त चार हमलावरों ने उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस हमले में नफे सिंह के साथ उनके समर्थक जयकिशन दलाल की भी मौत हो गई थी। नफे सिंह के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुए थे। गैंगस्टर कपिल सांगवान और फनंदू ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने घटना के बाद दो हमलावरों को गोवा से गिरफ्तार किया था। हमलावरों को गाड़ी उपलब्ध करवाने वाले धर्मेंद्र को भी दिल्ली के ब्रिजवासन से गिरफ्तार किया गया था। अब उनको घर दिलाने वाले योगेश को भी पकड़ लिया गया है। हालांकि दो हमलावर अभी भी फरार चल रहे हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।